Hello guys, this is Mansi from evikanti.in. Now we are starting with question number 3, exercise 1.1. So in this question we have insert comma suitable and write the names according to Indian system of numeration. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, numbers given है इसमें, सबसे पहले तो हमें commas put करने हैं and then हमें उसके names लिखने हैं. जैसे पहले हमें कुछ given होता था 8 करोड़ 7000 and something something, तो वो एक चीज हमें यहाँ पे करनी है. सबसे पहले let's put the कॉमर्स. अब यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन गिवन है, तो मतलब कॉमर्स भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देंगे. मींस पहले 3 डिजिट से पहले कॉमा ओवर हियर, देन 2 डिजिट से पहले, अगेन 2 डिजिट से पहले. ओके, अब ये कॉमर्स बहुत हेल्प करते हैं आपका नंबर नेम लिखने में. जैसे कि सबसे पहले अभी अलग हो गया 8, तो 8 क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट है. 7 zeros किसमें होती है, करोड़ में. So this will become 8 crore. So let's write it down. 8 crore. Then उसके बाद अलग जो commas में है, that is 75. 75 के बाद कितने digits हैं? 2, 3, 4, 5. So 5 zeros किसमें होती है, lakh में. So this will be 75 lakh. So 8 crore 75 lakh. अब 75 के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे, वो है 95. अब 95 के बाद कितनी डिजिट्स है, 1, 2, 3. 3 zeros किसमें होती है, 1000 में. सो दिस विल बिकम 95,000. सो 8 करोड़ 75 लाख 95,000 एंड लास्ट में क्या है हमारे पास, अब 95,762. सो 95,762. राइट, सो दिस वॉज द ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में हमारे पास नंबर है 8546283. सो फर्स्ट लेट्स पुट द कॉमास. यहाँ पे 3 नंबर से पहली कॉमा, देन 2 नंबर से पहली कॉमा, राइट. सो अब हमारे पास जो नंबर आएगा, सबसे पहले है 85. सो 85 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros किसमें होते हैं, लाख में. सो दिस विल बिकम 85 लाख. नेक्स्ट हमारे पास है 46. सो 46 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2 एंड 3. 3 डिजिट्स होती है 1000 में. सो 85,46,000. एंड देन वी हैव 283. दिस इज वेरी इजी. सो 283. Right? So we have 85,46,283. So this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part pe hamare paas hai 9990046. So isko ab hame sabse pehle commas insert karte hain. Indian system hai. So 3, then 2, and then 2. सबसे फर्स्ट नंबर जो हमारे पास, दैट इज 9. सो 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 डिजिट्स किसमें होती हैं, करोड़ में. सो दिस विल बिकम 9 करोड़. देन नेक्स्ट है 99 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स. 5 डिजिट्स होती है लाख में. सो 9 करोड़ 99 लाख. एंड देन हमारे पास सारे जीरोज है, तो हम 0000 तो लिखेंगे नहीं. सो वी लीव दिस एंड डायरेक्टली राइट 46. सो दिस विल बिकम 9 करोड़ 99 लाख 46. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द
डी पार्ट, डी पार्ट में मेरे पास है 9843271। सो अगेन यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे, तीन डिजिट से पहले, फिर दो डिजिट से पहले, अगेन टू डिजिट से पहले। सो सबसे पहला नंबर जो है दैट इज 9। तो 9 के बाद कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 डिजिट्स किस में होती है, 7 डिजिट्स होती है करोड़ में। सो दिस विल बिकम 9 करोड़। देन वी हैव 84। सो 84 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स है। सो 84, 5 डिजिट्स किस में होती है, लाख में। सो 9 करोड़ 84 लाख। नेक्स्ट वी हैव 32। 32 के बाद 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स किस में होती है, 1000 में। सो 9 करोड़ 84 लाख 32,000। Then we have 701. So let's write it here, 701. Okay, so this is 9,84,32,701. Okay, so this was the D part, this was the last part of this question. So now let's come to the next question.